यदि आपके पास भी इस तरह का पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड है और वो कट गया, फट गया या धुंधला हो गया है, तो आप नया वाला वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो नया वाला वोटर आईडी कार्ड जो है कि अभी इस तरह का आता है, जो देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिजाइन में है। तो इस तरह का नया वोटर आईडी कार्ड अभी आ रहा है। तो इस तरह का आप कलरफुल नया वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि इसी को आप पुराना को ही नया में कैसे अपग्रेड करेंगे, इस वीडियो में इसी के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताया गया। तो वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद उसको ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप न्यू यूजर पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वोटर आईडी का रिप्रिंट या किसी भी तरह का करेक्शन के लिए यहाँ पे आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पे फॉर्म एड करेक्शन ऑफ इंटायर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको यस पे क्लिक करके ईपिक नंबर डालना है। अगर आपके पास ईपिक नंबर नहीं तो नो कीजिए। यस पे क्लिक करके यहाँ पे ईपिक नंबर डाल दीजिए। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करके फेज डिटेल पे क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे वोटर आईडी से जुड़ा पूरा जानकारी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको तीसरा नंबर पे क्लिक करना है, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन। इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉय ड्यू टू रीजन पे क्लिक करना। अगर आप लॉस्ट का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको FIR को कॉपी को अपलोड करना होगा, इसलिए आप सेकंड नंबर को डिस्ट्रॉय का ऑप्शन को ही सेलेक्ट करें। डिस्ट्रॉय का ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इस बॉक्स पे टिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का डिक्लेरेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डन कर दीजिए। डन करने के बाद आपके सामने फॉर्मेट खुल के आ जाएगा, पूरा डिटेल सही सही देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद आपके सामने एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। यही रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक करके देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। उसके बाद एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डाल के ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस दिखा देगा, जैसा कि यहाँ पे आप सबमिटेड दिखा रहा है। उसके बाद BALO का अप्रूवल होगा, उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, उसके बाद फाइनल फील्ड वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद नया वोटर आईडी कार्ड रिप्रिंट होकर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे आ जाएगा। अगर 20 दिनों के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं आता है तो आप यहां से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं नया के तरह। इसके लिए डाउनलोड इपिक पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पे आपको यस आई हैव इपिक नंबर पे क्लिक करके यहां पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर को डाल दीजिए। वोटर आईडी नंबर डालने के बाद यहां पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहां पे फेज डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पे आपको वोटर आईडी से जुड़ा सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। यहाँ पे आपको OTP डाल के वेरीफाई एंड डाउनलोड ईपिक पे क्लिक कर देना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड ईपिक पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने इस तरह का PDF फॉर्म में नया वाला वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको शेयर बटन पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड का आइकन पे क्लिक कर देना है। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये फाइल में कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, इससे अच्छा व्हाट्सएप पे आप शेयर कर लीजिए, PDF के फॉर्म में शेयर हो जाएगा। इसके बाद आधार कार्ड के तरह इसको आप इलिमिनेशन करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका नया प्रिंट होकर पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं आता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।